नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके किया जो अगला पार्ट है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपसे वो है भारत की प्रमुख जनजातियां। ये दोस्तों कुल सीरीज का 13वां भाग है। इससे पहले मैं 12 भाग अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप हमें easynaukri.org वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां इंपॉर्टेंट PDF फाइल करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा आप @easynaukri टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों आज देखेंगे जो हमारा टॉपिक है भारत के राज्यों की जनजातियां। यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और जो भी मैं जनजाति लाया हूं वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पॉइंट आउट करके बताऊंगा कि कहां से क्या क्वेश्चन बनता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में क्वेश्चन बता, सबसे पहले प्रमुख जनजाति बता दूं दोस्तों, थारू, गौंड, भोटिया, खाड़वाड़, खैरवाड़ और जौनसारी, ये प्रमुख उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है थारू जनजाति, भोटिया जनजाति और ये जौनसारी जनजाति, इन तीनों से रिलेट करके क्वेश्चन बनता है कि ये जनजातियां कहां की हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में मिलती है, जबकि ये थारू जनजाति है ना ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है, मैं आगे बताऊंगा। अगली जो जनजाति है वो दोस्तों गुजरात स्टेट की है। गुजरात की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनमें भील, बंजारा कोली, पटेलिया और डाफर टोड़िया। जो इंपॉर्टेंट जनजातियों की बात करें तो पटेलिया और भील, पटेलिया से तो पटेल से बन गया तो ये गुजरात की हो गई, वहीं भील जो जनजाति है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों ये गुजरात की जनजाति है, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी रहता है भील वाला, ठीक है। अगली जनजाति में हिमाचल प्रदेश की आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है वो गड्डी, गुड्डी भी कहते हैं, कनोरा और लाहौली, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लाहौली के बारे में अक्सर पूछता है ये जनजाति कहाँ की है। अगली जो जनजाति मैं जम्मू कश्मीर की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख जनजाति है बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, लद्दाखी। जो एग्जाम में पूछे जाने वाली जो जनजाति हैं उनमें लद्दाखी के बारे में पूछा जाता है, गुज्जर के बारे में पूछा जाता है। अगली प्रमुख जनजाति में केरल की डिस्कस कर रहा हूँ। केरल में जो जनजाति पाई जाती है कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियाल, ठीक है। तो उराली और इरुला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जनजाति किस राज्य की है, ठीक है। अगली जो जनजाति है मणिपुर की, मणिपुर की जो जनजाति है कुकी, मैटी, मैठी, नागा, आगामी। तो दोस्तों नागा और मैठी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये मणिपुर की जनजाति हैं। मध्य प्रदेश की बात करें ट्राइब्स के बारे में तो मध्य प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट जनजाति पाई जाती है उनमें भील, लंबादी, बंजारा, गौंड, अबू मरिया, मुरिया, गौंड, खेरवाल, असुर, वेगा, कोल, मुंडा सभी पाई जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश झारखंड, उधर झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उधर राजस्थान, गुजरात से भी लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सभी तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ये बाली, बंजारी, कोली, पावन, गौंड और अंबु फार्म मरिया जनजाति पाई जाती है। मेघालय में बात करूं तो दोस्तों मेघालय में खारो, खासी, जयंतिया, मिकर, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, गारो और खासी। मिजोरम, ये मेघालय की है तो याद रखिएगा। मिजोरम की बात करें तो लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुसाई, कोकाई। तो चकमा और लुसाई ये दो जनजातियां एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की जनजातियों के बाद बात करूं तो नागा, नोबई, नागा, अंगामी और मिकर पाई जाती हैं, और नागा, नुबई बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये नागालैंड की है। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों मीणा, सहसरिया, सांसी, गरसिया, भील, बंजारा, कोली, ये सभी जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और राजस्थान की बात करें या देश की बात करें ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देश के सभी एग्जामों की ये जनजातियां कहां की हैं। ओडिशा की बात करूं तो जुआंग, खरिया, भुया, संथाल, कोल, ओरावा, चेंचू, गोंडू, सोंड, ये संथाल कहते हैं, गेंडू कहते हैं, चौंट कहते हैं, झारखंड में भी पाई जाती हैं, कई स्टेट्स में ये जनजातियां पाई जाती हैं, हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, और उड़ीसा अगर विकल्प में हो तो आपको उड़ीसा भरना होगा। अगली जो जनजाति है वो है सिक्किम, सिक्किम की बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है लेपचा, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों बड़गा, टोडा कोटा, कोटा, टोडा और नीलगिरी की मूल जनजाति, ये जो है टोडा जनजाति, नीलगिरी की मूल, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अगली जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड में, जैसे मैंने पहले बताया शुरुआत में उत्तर प्रदेश में थारू उत्तराखंड में ही पाई जाती है, कोए, मारा, नीति, भोट, भोटिया, खास, तो भोटिया और थारू ये एग्जाम में पूछी जाती है। थारू जो लोग होते हैं वो दीपावली को शुभ दिन के रूप में मानते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो लोधा, भूमिगज, संथाल, लेपचा, लेपचा सिक्किम में भी है, संथाल उड़ीसा झारखंड में भी पाई जाती है, ठीक है। तो
तो ये पश्चिम बंगाल में भी है। असम की बात करें तो राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, आबोर, ये जनजातियां दोस्तों असम को रिप्रेजेंट करती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चेंचुस, कोंडा, सांवरा, गढ़वा और गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हैं। बात करें अरुणाचल की तो दोस्तों मोपा, डबला, सुलंग, मिशमी, मिनियोंग, ये दोनों सुलंग, मिशमी और मिनियोंग, ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अरुणाचल के लिए। झारखंड की बात करें तो मेनली संथाल, मुंडा, औरवो, बिरहोर, कोरबा, असुर, गोंड, सभी जातियां बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से अधिकतम जातियां यहां पर पाई जाती हैं और यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों ये भारत की प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने, जो इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं वो मैंने आपको बताई। अगला मैं जनजातियों को सेट वो लाऊंगा विश्व की जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे बेहतर से बेहतर स्टेटिक जी के आपके सामने।